तो यार OB30 के बाद जो बुयाडे का इवेंट आने वाला है उसमें आपको कोबरा बंडल की तरह ही एक इवो बंडल देखने के लिए मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं इसी बंडल का फुल एक लुक देने वाला हूँ। साथ ही साथ इसके अलावा यार गेम के ऊपर आपको न्यू ग्लू वॉल का स्किन देखने के लिए मिलेगा। जितने भी ग्लू वॉल्स के स्किन है जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा, जो भी न्यू इवेंट है बुयाडे में जो आपको बंडल देखने के लिए मिलेगा वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये वीडियो। थोड़ा सा भी मिस कर दोगे तो बहुत कुछ यार आप लोग यहाँ पर मिस कर दोगे। तो चलो छोटा सा इंट्रो देने के बाद वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो गेमर्स, मेरा नाम है रोहित और आप लोग देख रहे हो डायरेक्ट शूटर गेमिंग का एक और फ्रेश एंड एक्साइटिंग वीडियो। चलो ज्यादा बट टाइम को ना वेस्ट करते हुए करते हैं जो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है, उस वीडियो का टॉपिक को स्टार्ट। तो यार जैसा कि आपको पता है ये बुयाडे हमारा न्यू इवेंट आने वाला है फ्री फायर के ऊपर, उस पर जो ईवो बंडल आने वाला है उसका पूरा लीक यहाँ पर आ चुका है। ये होने वाला है हमारा नेक्स्ट ईवो बंडल जो कि आप देख सकते हो पूरा स्क्रीन के ऊपर चारों के चारों लुक दिखाऊंगा आपको, मतलब चारों कलर्स। यहाँ पर इमोट्स देख सकते हो, आपको यहाँ पर पता ही ये चार इमोट्स मिलते हैं। तो ये वाला जो बुयाडे वाला इमोट है हमने सोचा था कि टॉप अप इवेंट में मिलेगा, लेकिन नहीं, ये बंडल के साथ मिलेगा सबसे पहला। उसके बाद है येलो कलर, चारों कलर्स आपको पता ही है इस बंडल के, ब्लू, येलो, वायलेट एंड यहाँ पर आपको रेड टाइप का एक कलर देखने के लिए मिल जाएगा चारों कलर्स के स्किन। बंडल का जो डिज़ाइन है आप लोग बताना कि कोबरा बंडल ज़्यादा बेस्ट लगा कि ये वाला। ये है सेकंड वाला इमोट जो कि देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये होने वाला है। पीछे जो बैकपैक देख रहे हो ये बैकपैक भी आपको मिलेगा। एंड यार ये फर्स्ट वाला इमोट तो मेरे को सबसे ज़्यादा ओपी लगा। यह है आपका थर्ड नंबर वाला इमोट जो कि भाई खतरा, एकदम बोले तो खतरा वाला सीन। एंड यहाँ पर लास्ट वाला जो इमोट है देख सकते हो, लास्ट वाला इमोट भी ठीक है लेकिन उतना खास नहीं, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाला इमोट है तीनों ही कते ही जहर वाला यहाँ पर इमोट है। सेकंड वाला तो फिर भी ठीक है लेकिन ये वाला एंड ये वाला दोनों ही भाई साहब कते ही ओपी। चलो अभी देख लेते हैं बंडल का यहाँ पर फुल लुक एंड उसके साथ साथ जो कलर्स कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले यहाँ पर येलो कलर का देख सकते हो यार, कोबरा बंडल में जो भी यार मेरे, अगर आप लोग मन की बात मतलब अगर मेरा ओपिनियन लोगे तो कोबरा बंडल का डिज़ाइन मेरे को इस बंडल से ज़्यादा बेटर लगा। इस बंडल का डिज़ाइन और थोड़ा यहाँ पर बेहतर हो सकता था ये मेरे को लगता है। बाकी यार आप लोग बताना क्योंकि इसका हेयर स्टाइल आप लोग देख सकते हो पूरा ब्लैक है एंड पीछे के साइड आपको एक शैडो टाइप का देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका हेयर स्टाइल अगर ऐसा सिंपल करता तो यार और भी ज़्यादा बेटर लगता है ये वाला बंडल। तो दो कलर देख लिए, ये है इसका थर्ड कलर जो कि ये वायलेट कलर के ऊपर बेस्ड है। एंड यार सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट कलर तो सेकंड वाला ही है, ये वाला कलर तो मैं इसको ही चूज़ करूँगा। येलो भी ठीक है लेकिन ये भाई ओपी वाला है। एंड उसके बाद है रेड कलर का जो कि यार कोबरा में भी है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कोबरा के पीछे सांप था, इसके पीछे ये वाला जो मतलब क्या है, मेरे को इसका पीछे का जानवर का नाम उतना याद नहीं है, पंछी टाइप का, ड्रैगन टाइप का लग रहा है, पूरा भूत टाइप का यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चारों कलर, इसका मार्क्स बेहतर है, मतलब मार्क्स ठीक है, टॉप भी ठीक है, लेकिन कोबरा से आई थिंक ये थोड़ा यहाँ पर मार खा जाएगा। अगर कोबरा के साथ इसका कंपैरिजन करा जाए तो यहाँ पर थोड़ा ये मार खा जाएगा, लेकिन इमोट की बात करें तो कोई मुकाबला नहीं है दोनों में ही। कोबरा में भी जो इमोट्स है वो भी ओपी है एंड इसका जो मैंने आपको कहा कि जो बुयाडे वाला इमोट था वो मेरे को यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपी वाला लगा। तो सॉरी, ये वाला जो आपको मतलब क्या बोलते हैं इसको, बंडल है आपको बुयाडे के दिन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि ये जो आपका बंडल है ठीक है, ये आपको लेजेंडरी आउटफिट के अंदर देखने के लिए मिलेगा एंड आपको यहाँ पर अच्छा खासा डायमंड आपका यहाँ पर लगने वाला है। तो अगर आप लोग यार अच्छे मतलब आपको अगर अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे कोबरा बंडल्स को लिए थे इमोट्स की वजह से ही, एंड आप यहाँ पर देख सकते हो ये इमोट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर लग रहा है, तो इमोट्स की वजह से भी आप लोग ये बंडल ले सकते हो। एंड इसका जो बाकी का सीन है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि बुयाडे का ये है एक ही चीज जो कि है हमारा इवो बंडल। एंड इसके अलावा यार बुयाडे के अंदर आपको जो भी और भी चीजें देखने के लिए मिलेगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दिखा देता हूं, ताकि आपको और कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो टोटल ये आइटम्स आने वाले हैं हमारे बुयाडे के इवेंट की ओर। सबसे ऊपर है मॉन्स्टर ट्रक का स्किन, उसके बाद है ग्रेनेड का यहाँ पर स्किन, तीन ग्रेनेड का स्किन यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड उसके नीचे ही आपको ठीक देखने के लिए मिल जाएगा ग्लू वॉल का स्किन। तो ग्लू वॉल का डिज़ाइन भी यहाँ पर मेरे को ठीक ठाक लगा, लेकिन और थोड़ा यहाँ पर बेहतर हो सकता था। जैसा यार बाकी के जो ग्लू वॉल है कोबरा ग्लू वॉल के मुकाबले ये वाला ग्लू वॉल यार मार खा जाएगा, लेकिन OB30 में और भी दो ग्लू वॉल आने वाला है जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल के ऊपर बना कर रखा है, आप लोग देख सकते हो। वो ग्लू वॉल कते ही यार ओपी लगा मेरे को।
उसके बाद है बैकपैक, जो कि आपने इस बंडल के साथ देखा पीछे एक बैकपैक का इमोट भी है, तो ये है बैकपैक लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। यहाँ पर फ्री के रिवार्ड्स इसमें से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर नीचे आप लैम्बोर्गिनी का स्किन देख रहे हो, जो कि मॉन्स्टर ट्रक का स्किन एंड लैम्बोर्गिनी का स्किन है, करीबन सेम है, डिज़ाइन एक ही डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड होगा। भाई बुयाडे का इवेंट तो उसी के ऊपर यहाँ पर बेस्ड ऑब्वियसली होगा। एंड यार इसके अलावा अगर मैं बात करूँ OB30 अपडेट के अंदर आपको और भी जो ग्लोबल स्किन्स है वो देखने के लिए मिल जाएगा, तो चलो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ये होने वाला है हमारा नेक्स्ट ग्लोबल के स्किन, जिसमें यार आप अगर देखोगे नोटिस करोगे तो इसका सेप वगैरह बस सेम ही है, लेकिन इसका जो है स्कल मतलब होगा उसके ऊपर बेस होगा, कुछ स्कल टाइप का नाम होने वाला है। लेकिन यार इतने मेरे को उतना खास नहीं लगा, अगर आप लोग यार लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आपको पता है ये सारे ग्लोबल्स जो कि है ऐसे डिज़ाइन नहीं करते, कुछ ग्लोबल्स ऐसे सिंपल डिज़ाइन के ऊपर भी करते हैं और कुछ ग्लोबल्स जो कि है आपको अलग टाइप के डिज़ाइन पर देखने के लिए मिलता है। एंड इसके अलावा एक जो कि ये पिंक टाइप का ग्लोबल आने वाला है आप कह सकते हो, जो कि बड़ा ही क्यूट सा ग्लोबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी पेट्स ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल है, 5 पेट्स यहाँ पर। तो एक ऐसा ग्लोबल हमारे OB30 अपडेट के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जितने भी ग्लोबल्स हैं एंड जो आपको मैंने दिखाया वॉल ब्रेकर का एक टाइप का वॉल ब्रेकर का ग्लोबल्स आने वाला है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट करके रखा है, तो ये सारे भी जितने ग्लोबल्स देख रहे हो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा हमारे OB30 अपडेट के अंदर। एंड यार इसके अलावा जो मैं बात करने वाला हूँ OB30 अपडेट के बाद हमारी गेम के अंदर आपको जो कि है बुयाडे के अंदर ये सारे रिवार्ड्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर जितने भी चांसेस आ रहे हैं कि जो बंडल यहाँ पर आप देख रहे हो मेल वाला, ये हमें फ्री में मिल सकता है, क्योंकि जो लेजेंडरी बंडल होने वाला है वो तो आपको डायमंड देकर लेना पड़ेगा, जो कि ईवो बंडल जो कि आपने पहले देखा। एंड ये बंडल जो कि ऐसा और एक बंडल होगा जो कि फ्री फायर हम सबको फ्री में मिलेगा। इसके अलावा UMP का जो स्किन है ये तो आपको डायमंड देकर ही लेना पड़ेगा। एंड उसके अलावा आर्क का स्किन है, एक पैन का स्किन है, एंड ये एक लूट बॉक्स का स्किन है। लूट बॉक्स का स्किन यार बहुत ज्यादा ओपी लगा मेरे को, मतलब इसका डिजाइन तो बहुत ज्यादा यहां पर चेंज कर दिया गया है, एंड जो कि ये बड़ा ही खतरनाक वाला यहां पर लग रहा है। अभी देखने वाली बात ये है कि ये लूट बॉक्स का स्किन हमें फ्री में मिलता है कि जो टॉप अप इवेंट आएगा उस टॉप अप इवेंट के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा। एंड बुयाडे का जो हमारे ग्लू वॉल का स्किन होने वाला है उसका लीक आ चुका है, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये होने वाला है हमारा बुयाडे का नेक्स्ट ग्लू वॉल का स्किन, जो कि पीछे के साइड एंड ऊपर के साइड आप देख सकते हो। डिजाइन आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो, येलो कलर के ऊपर बेस्ड है, कोबरा ग्लूवल हमारा रेड कलर के ऊपर बेस्ड था, एंड ये वाला ग्लूवल का स्किन हमारे येलो कलर के ऊपर बेस्ड है। ये वाला जो ग्लूवल का स्किन है वो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना, बिल्कुल भी मत भूलना। बड़ा ही मतलब एक टाइप के कह सकते हो मतलब OP वाला सीन जो किया निकलता है मुंह से, ऐसा कुछ सीन यहाँ पर होने वाला है। तो बुयाडे के जितने भी रिवार्ड्स थे वो सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया, साथ ही साथ जो भी ग्लोबल स्किन्स आने वाले हैं सारा कुछ मैंने कवर कर दिया। तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि जो ग्लोबल स्किन है वो आपको कैसा लगा, एंड बुयाडे का जो मेल बंडल लगा जो कि फ्री में मिलने के चांसेस है वो आपको कैसा लगा। और यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि जो ग्लोबल स्किन यहाँ पर OB30 अपडेट के बाद हमें कुछ फ्री में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि आर्टिक ब्लू बंडल सिर्फ 5 ही लोगों को मिल रहा है, तो बहुत सारे बंदे इससे जो कि नाखुश है, होना भी चाहिए भाई, इतने फ्री फायर प्लेयर्स हैं और सिर्फ 5 बंदों के यहाँ पर आर्टिक ब्लू बंडल फ्री फायर दे रहा है। तो हो सकता है नेक्स्ट कुछ इवेंट पे हमें ग्लोबल का स्किन फ्री में देखने के लिए मिले। अगर कुछ भी लीक आता है तो मैं सबसे पहले आप तक पहुँचा दूंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, साथ ही घंटे वाले आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक शेयर करना था। वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताना, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर न्यू आते हो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड मजेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे ही रेड कलर के सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर दो, साथ ही घंटे वाले आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपके साथ और एक न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी लोग घर में रहो, स्वस्थ रहो, अपने फैमिली का ख्याल रखो। सभी को हमारी तरफ से डार्क शूटर की तरफ से टाटा।